अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सकलैन बशीर। उम्मीद है कि आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं अभी मीरपुर आज़ाद कश्मीर से निकल के वापस अपने होम टाउन गुजर खान की तरफ जा रहा हूं। जो सारी सिचुएशन है बॉर्डर्स पे, आप लोग यकीनन आगाह हैं उस सूरत हाल से। मुझे भी कुछ न्यूज़ मिल रही थी, कुछ फेक थी, कुछ अच्छा असली थी न्यूज़, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मंगला कैंट से जाके कन्फर्म करूँ और इसी के साथ साथ वॉलंटियर्स में अपना नाम भी लिखवा दूँ जाके। तो हमें यहाँ से ये न्यूज़ मिली है कन्फर्म कि जी हमारे 32 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन उसी मार्के में पाकिस्तान ने 3 से 4 जो इंडिया की अहम चेक पोस्टें थी नकियाल सेक्टर में, वहां पे कब्जा किया है। 60% आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है, 40% बैरिक्स में है अभी, और जो जितने भी कैंट्स हैं वो सिविलियन के विजिट के लिए बंद कर दिए गए हैं। और आजाद कश्मीर में ये डेवलपमेंट हुई है जी के मीरपुर में जो DHQ हॉस्पिटल है वहां पे ब्लड बैंक कायम कर दिया गया है। मैं वहीं से भी होकर आ रहा हूँ, मैं अभी बस मीरपुर से निकला ही हूँ। और सिविलियंस के लिए जो अभी वॉलंटियर कॉल है वो भी आर्मी ने नहीं दी है, लेकिन अगर वॉलंटियर कॉल आएगी तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो होगी वो रावलपिंडी में, लाहौर में और कराची जैसे बड़े सिटीज हैं, इनमें वो नाम लिखे जाएंगे वॉलंटियर्स के लिए। लेकिन सिविलियंस की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुतासिर हो रही है, बहुत से लोग शहीद हो रहे हैं सिविलियंस के भी। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि एक तो प्लीज किसी किस्म की फेक न्यूज पे आप लोगों ने एतमाद नहीं करना जब तक हमारे अपना इदारा ISPR है, हमारे अपने जो फोर्सेस हैं, कोई भी रिलायबल पर्सन आप तक न्यूज ना पहुंचाए प्लीज ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से पेजेस जो है वो इंडिया से रन हो रहे हैं तो वो हमारा मोरल डाउन करने के लिए, कुछ भी हमें करने के लिए बड़े कुछ बकवास करेंगे। और अभी जो न्यूज आई है, अभी कन्फर्म नहीं है ये, लेकिन सुनने में आ रहा है कि मोटरवे बंद कर दी गई है। एयरफोर्स ने चार्ज संभाल लिया मोटरवे का, लाहौर टू इस्लामाबाद, और उसके अलावा सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तान आर्मी को बड़ी कामयाबियां मिली हैं। 100 से ज्यादा जो है इंडियन फौजियों को इन्होंने वासिले जहन्नुम कर दिया है। यकीनन अमन हमारी पहली कोशिश था, हमारे तमाम इदारों ने, हमारे बड़े लोगों ने अमन की पहले बात की, लेकिन जब जंग आ जाती है तो फिर वही बात है कि जब वक्त क्याम का होता है तब हम सजदे में नहीं रह सकते। तो तमाम कौम से, तमाम दोस्तों से, खासतौर पे हमारी यूथ से यही अपील है कि ब्लड के हवाले से जरूर अपने नजर रखिएगा। आपके पास जितने भी आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी कैंट्स हैं, वहां से प्लीज इंफॉर्मेशन लेते रहिएगा ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की फौज जिंदाबाद, हमारी मुसल्ला फौज हमारा नाज है और हमारी मुसल्ला फौज के हम शाना बशाना खड़े हैं। और जितनी भी जो फैमिलीज नुकसान बर्दाश्त कर रही हैं LOC पे भी या सियालकोट के एरियाज में, मैं मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ 2 फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का ऐलान करता हूं जी अपने गांव में। और यकीनन मैं अपने पूरे गांव से जाके बात करूंगा, हमारे सभी लोग इस चीज को जो है आगे लेकर चलेंगे और हम लोग इस तरह इंशाल्लाह अपने लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, और किसी भी किस्म के फॉल्स प्रोपोगंडा में आप लोगों ने नहीं बिलीव करना। अपने वतन के लिए हम लोग तैयार हैं जी, अपनी आर्मी के लिए, अपने मुसल्ला फौज के साथ खड़े हैं हर लम्हे।